हेलो एंड वेलकम बैक टू द नोबर्स कम्युनिटी। तो आज हम फिर से वापस आ चुके हैं आपके लिए एक और नए फ्री गेम लेके। तो अगर ऐसे आपको और वीडियोस चाहिए तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा देना है। और जस्ट आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी रेगुलर हमारी वीडियोज़ की। और साथ ही साथ आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो रेगुलर डील्स होती है वो आपको मिल जाएगी कि कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। और आपको ये अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल जाए। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले लेट्स रोल आउट आवर इंट्रो। तो आज हम जिस गेम के बारे में बात करने वाले हैं उस गेम का नाम है ब्लेयर विच। ये 2019 की गेम है, और ये एक मतलब ये गेम ऑलरेडी एक मूवी पे बेस्ड है। तो 2016 की मूवीज़ देखा, जैसे मैंने सर्च किया तो सेम वही आ जाए। प्लेयर विथ सर्वाइवल गेम आप सर्च करोगे, 7/10 की रेटिंग, 88% यूजर्स ने इसको लाइक भी किया है। 30 अगस्त 2019, और इंजन अनरियल इंजन 4 पे बना हुआ है। तो रेटिंग वेटिंग के बारे में तो बता दें, क्लेम कैसे करना है चलिए वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको सर्च कर लेना है एपिक गेम्स स्टोर, अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हो। और आपके पास पीसी ही नहीं है तो आपको epicgames.com अपने मोबाइल पे सर्च कर लेना है, और वहाँ पे अपना आईडी लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सीधा बढ़ते हैं एपिक गेम्स स्टोर की तरफ। तो आप अगर होम पे अपना आईडी लॉगिन करने के बाद आ जाएंगे तो वहाँ पे आपको न्यूज़ में एक पॉपअप हो जाएगा, प्लेयर विच इज़ फ्री नाउ। बट अगर आपको वहाँ पे नहीं आता तो सिंपली आपको स्टोर पे जाके, स्टोर पे जाने के बाद आपको सर्च कर लेना है प्लेयर विच, PLAIRWITCH सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद प्लेयर विच आ जाएगा आपको, और आपका डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं 30 अक्टूबर 2020 रिलीज डेट इसमें दिखा रहा, बट इनिशियल रिलीज डेट ये नहीं है। और ये गेम जो है वो पिछले साल रिलीज़ हो चुकी है, बट ये इस प्लेटफॉर्म एपिक गेम्स है इस पर इस साल आई है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। बट ये गेम 2019 की ही है। तो आपको कुछ नहीं करना, क्लेम कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लेम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सेम प्रोसीजर गेट पे क्लिक करना है। गेट पे क्लिक करने के बाद वेट, ब्लेयर विच हमारी ओन हो चुकी है। तो इस गेम की जो रेटिंग्स यहाँ पे भी दी हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 37% रिकमेंडेड क्रिटिक्स की तरफ से, टॉप क्रिटिक एवरेज जो इसका है 67 आया है, और इसका ओपन क्रिटिक रेटिंग जो है वो फेयर है। इस पर भी मतलब इसमें डिसेंट रेटिंग है, स्टीम पे इससे ज़्यादा रेटिंग अच्छी है, और स्टीम पे ऑलरेडी पेड था ये पहले, बट अब यहाँ पे फ्री आ चुकी है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस क्लेम हो चुका है। क्लेम होने के बाद आपको बस लाइब्रेरी में चले जाना है। लाइब्रेरी में आप चेक कर सकते हैं आप अपनी गेम ब्लेयर विच। तो यहाँ पे आ चुकी है। स्टोर पेज पे जाके मैं आपको उसके साइज़ के बारे में भी बता देता हूँ। साइज इज़ अराउंड स्टोरेज 16 GB अवेलेबल स्पेस चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मिनिमम रिकमेंडेड भी 16 GB बस, ज़्यादा बड़ी गेम है नहीं। बट अगर ये स्टीम की रेटिंग को अगर ये स्पेसिफाई कर देता है अपने आप को, मतलब इतना प्रूफ कर देता है कि 16, तो फिर ये 16 GB बहुत सही है इसके लिए। और चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।